हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे अपने मन की बात करने आया हूँ। ये वीडियो अगर हो सके तो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं अपने मन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ और वह हमारे और आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ बात न करके सीधे अपने मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों आज दरअसल एक पेशेंट मेरे पास आई थी और उनके साथ में कंडीशन ये थी कि उनके फैमिली में कुछ तकलीफ़ें थीं जिनमें उनके परिवार में किसी सदस्य को एलोपैथिक दवा की आवश्यकता पड़ी। एलोपैथिक दवा देने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला कि आप लीवर में प्रॉब्लम है, तो आप फिर बाद में हार्ट की कोई समस्या आ गई तो फिर आप हार्ट के लिए चले जाइए, वहाँ पे दिखा दीजिए। और ये एक कॉमन सी बात है, एक कॉमन सा नज़रिया है, मैं बोलूँगा इसको एक कॉमन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। अगर आप देखेंगे कि फिर अपने परिवार में देखिए, आसपास में देखिए, तो लगभग आजकल हर किसी की कंडीशन ऐसी ही है कि एक बार जब हम एलोपैथिक दवा लेना शुरू करते हैं, देखिए पहली बात तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि मैं किसी चीज़ की या किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर पैथी की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी कॉन्स एंड प्रोज हैं, ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं सबके अंदर में, तो मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मैं सिर्फ कुछ कंडीशंस को आपको डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आएंगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि आजकल आप किसी भी कंडीशन को देख लीजिए, आजकल जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई फाई दिखाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे दिखाने के चक्कर में, या और जो भी कारण हो मुझे नहीं समझ में आता है, कोई भी तकलीफ़ होती है तो हम एलोपैथिक मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं। मैं उसको बुरा भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं कि उसके फ़ायदे या नुकसान क्या हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो पढ़ा लिखा दिखना सही है या वो अनपढ़ लोग ज़्यादा सही थे पहले, जिनके पास में कोई एलोपैथिक दवा नहीं होती थी, कहीं पे कोई औषधालय नहीं हुआ करता था। आपने बड़े बड़े आज जो हॉस्पिटल्स हैं, जितनी बीमारियां हैं उससे ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं। आप सोच के देखिए 50 साल पहले, 100 साल पहले या उसके और पहले चले जाइए, कभी आपको किसी हॉस्पिटल का सुनने को मिला कि इस नगर में ये हॉस्पिटल हुआ करता था, पुस्तकालय हुआ करता था, लेकिन क्या हॉस्पिटल भी होता था? कभी आप सोच के देखिएगा, पहले के समय में पुस्तकालय हुआ करता था, पुस्तकालय में अलग अलग, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय या और दूसरे, तो वहाँ पे तक्षशिला हो गया, वहाँ पे पढ़ने को मिलता था हर शास्त्र, आपको रसायन शास्त्र भी मिलता था, भौतिक शास्त्र भी मिलता था, वनस्पति शास्त्र भी मिलता था, औषधि के बारे में भी जानकारी मिलती थी, लेकिन वहाँ पे इस तरह से बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं होता था जैसा आज के समय में होता है। पहले के समय में कुछ वैद्य हुआ करते थे जो कि ट्रीटमेंट देते थे। गांव की बात करें तो ज़्यादातर गांव हुआ करते थे, नगर होते थे तो नगर में भी वैद्य हुआ करते थे, ठीक है, उनके पास में कुछ तो ज़रूर रहते होंगे, लेकिन इस तरह की कंडीशन नहीं हुआ करती थी। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले के समय में के लोग वो अपना खान पान ऐसा रखते थे, अपनी सिचुएशन को ऐसा रखते थे कि वो कंडीशन ही ना आए, ठीक है। आप आज से 50 साल पहले सोच के देखिए, लोगों की कोई भी कंडीशंस होती थी तो वहाँ पे अंग्रेजी दवा नहीं हुआ करती थी, लोग नॉर्मल तरीके से ही स्वस्थ हो जाते थे, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया है आज के समय में कि हमको एलोपैथिक दवा की आवश्यकता पड़ रही है, और दवा के साथ साथ में हमको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, थोड़ा सा इस बारे में बात करूँगा। दोस्तों एलोपैथिक दवा के साथ साथ में आपको पता ही है कि एलोपैथिक दवाएं जो बनती हैं वो बनती हैं केमिकल से, और इसका जो प्रयोग किया जाता है, चूँकि केमिकल का ही परीक्षण होता है, तो केमिकल का परीक्षण होने के साथ में क्या होता है कि वो हमारे शरीर के ऊपर में क्या असर डालती है वो वैज्ञानिक रूप से लिखित में होता है कि हमारे शरीर में क्या असर डाल रही है, ठीक है।
उसके फ़ायदे के बारे में होता है, नुकसान के बारे में भी होता है, लेकिन नुकसान हमको कभी नहीं बताया जाता कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। हम दवा शुरू करते हैं लीवर की, साथ में किडनी की बीमारी अलग से हमको मिल जाती है, थायराइड की बीमारी अलग से मिल जाती है, दूसरी और बीमारियाँ अलग से मिल जाती हैं, हार्ट की बीमारी अलग से मिल जाती है, कोलेस्ट्रॉल अलग से बढ़ जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये उचित है कि हम एक बीमारी के लिए दवा लेने जाएं और दो बीमारी और लेकर के आ जाएं? अगर आपको ये उचित लगता तो आप यहीं से वीडियो को बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी ये लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये वीडियो सब तक पहुँचाइए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, अगर नहीं हो तो जानकारी हो उनके पास में। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े पढ़े लिखे लोग या तो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, या जान करके सिर्फ अच्छे बने रहने के चक्कर में, या फिर कहते हैं कि शो ऑफ करने के चक्कर में एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करते हैं। आगे मैं बोल रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसमें सर्जरी और दूसरी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो चीज़ों की कंडीशन ही क्यों हम आने दें? हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है? हमारे पास में ऑप्शन है आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये दो बड़े प्रमुख तरीके हमारे पास में हैं जिससे हम कर सकते हैं, यूनानी भी है, ठीक है, जहाँ पे हमको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम एलोपैथिक मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है। अभी उस समय पहले की बात है, एक बड़े क्लोज लोग से मेरी बात हो रही थी, तो बोले कि कुछ तकलीफ़ हो रही है गैस की, और मैंने बोला कि गैस की दवा के लिए किसी को गैस की दवा लेते हैं, फिर मुझसे होम्योपैथी की दवा भी पूछ रहे थे। तो मुझे ये लगा कि अगर इनको जानकारी खुद से हो कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवा जो गैस में काम करती है, तो खुद से भी चीज़ों को कर सकते हैं सही, उसमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता ही ना हो। दूसरी चीज़, अगर हमको ये पता हो कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए ताकि हमको कभी दवा की आवश्यकता ही ना पड़े, चाहे वो होम्योपैथिक की हो या कोई और दवा, उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। पहले के समय के लोगों को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो बहुत सी औषधियाँ खाते थे, भारत में ये सबसे प्रचलित चीज़ है कि हमारे यहाँ मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, और एक्चुअल में इसको मसाला हम आज बोलते हैं, इसको ये पहले इसको बोला जाता था, ये एक औषधि है जो कि हमारे किचन में पड़ी हुई है, अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं तो। किस औषधि का उपयोग करना है, किस खाने में, इस अगर आपको पता है तो आप किसी भी बीमारी से आने वाली चीज़ों से बच सकते हैं। हमारे पास इतनी सारी औषधियां हैं खाने में मसाले के रूप में कि आप सोच नहीं सकते हैं, अगर आप इसका सही तरीके से यूज़ करना जान जाएं। बरसात में कौन कौन सी खाने वाली चीज़ें होती हैं मसाले में, गर्मी के समय में कौन कौन सी चीज़ें खाने को दी जाती हैं, किस सब्ज़ी में कौन सी चीज़ पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमको सही तरीके से जानकारी मिले तो क्या हम अपनी बीमारी को सही नहीं कर सकते हैं? इसके अलावा जितनी भी हम देखिए, जब जब हम गए हैं पश्चिम सभ्यता की तरफ, उतनी ही हम पीछे चलते चले गए हैं। आपको लग रहा होगा मेरी बातों में थोड़ा सा अजीब सा, लेकिन ये सच है दोस्तों कि जितना हम पश्चिमी सभ्यता का नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही हम पीछे जा रहे हैं, अपनी जो मूल है उस मूल से हटते चले जा रहे हैं। एक राइटर जिन्होंने भारतीय सभ्यता पे पूरी शोध करी है, उनकी किताबें, उनका मैं एक आलेख पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, ये पेपर में बाकायदा छपा हुआ था, कि भारतीय लोग अपने पुरातन चीज़ों को छोड़ करके हमारे देश की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, उसका जो आचरण कर रहे हैं, उसका जो पालन कर रहे हैं, उसकी तरफ जो भागे जा रहे हैं, अपने मूल को छोड़ के चले जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको मिलेगा क्या। ये उस अमेरिकन राइटर की बात मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको पढ़ा था, तो ये बात मुझे समझ में आई। बड़ी ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ में होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आज मेरे मन में बात आई कि मुझे अपनी बात आपके साथ रखनी चाहिए, इसलिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ आपसे। सही बताऊँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा था कि क्या बात है, क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा दिखावे के चक्कर में पड़ रहे हैं, या लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में पड़ रहे हैं कि किसी को बीमारी होती है तो हम वहाँ पर आयुर्वेदिक दवा न लेना पसंद करते हैं, या होम्योपैथिक दवा लेना पसंद नहीं करते, हमको लगता है कि हम बड़े छोटे कहलाएंगे, पैसे नहीं हैं, पैसे बचा रहे हैं, इस तरह की बातें सोची जाएंगी।
यह हमको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक में अंतर क्या है। हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा। आज हम जा रहे हैं किसी एक बीमारी के लिए, आज हम जा रहे हैं मान लीजिए किडनी में की कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए जा रहे हैं, कल को दूसरी बीमारी सामने आएगी, जब हम वो दवा लेना शुरू करेंगे तो हमारे लीवर पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे चेस्ट पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क पड़ेगा, हमारे थायराइड में, हार्ट की प्रॉब्लम्स, अलग अलग बीमारियाँ शुरू होंगी, कल को और ज़्यादा हमको वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज से 50 साल पहले छोटी छोटी चीज़ों से लोग सही हो जाते थे। मुझे अपनी दादी का याद है कि कभी उनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, 96 इयर्स की हो करके शरीर छोड़ा उन्होंने और बहुत मज़े से। लास्ट के कुछ समय में थोड़ी सी तकलीफ थी उनको, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर आप अपनी संस्कृति को, अपने मूल को अगर पकड़ के रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप सबसे विनती है कि आप लोग कृपया इस चीज़ को आगे तक फैलाएं कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें, अपने मूल को बचा के रखें, अपने आयुर्वेद को बचा के रखें, और कैसे हमको क्या क्या करना है, खान पान कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे साथ में हैं, जैसे हम लोग जो खा पी रहे हैं उसके अंदर में पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या जो पौष्टिकता है वो खाना बनाने में चली जाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं उसको जो उगाया जाता है वहाँ पे भी बहुत से कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, डाई, यूरिया, पोटास, खाद, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ये सच बात है, यही तो है जिसको हमको चेंज करना है। हम एक तो डाई, यूरिया, पोटास वैसे ले रहे हैं, ऊपर से अंग्रेजी दवा, वो भी केमिकल, वो जो ले रहे हैं वो भी केमिकल। तो आप खुद सोचिए कि जब केमिकल हम शरीर के अंदर में इसको एक डब्बा बनाया जा रहा है, इसको कूड़ादान बनाया जा रहा है शरीर को, जिसमें हम केमिकल डालते जा रहे हैं, तो केमिकल का फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, आप खुद सोचिए। उसका कहीं कहीं से साइड इफ़ेक्ट तो आएगा ना, अब उसको दूर कैसे हम कर सकते हैं, क्या ऑप्शन हमारे पास में। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारे पास में ये है कि हम अपने खेती को बढ़ावा दें, जिसमें आयुर्वेदिक या उसको हम बोल सकते हैं कार्बनिक खाद का उपयोग करते हुए जो पहले हुआ करती थी उस तरीके से करने की कोशिश करें, उसमें और ज़्यादा शोध हम करेंगे और कैसे बेटर यील्डिंग कर सकते हैं, कैसे और बेटर उत्पादन हमारा हो सकता है, खेती को सही कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम अपनी जानकारी को आयुर्वेद का इतना ज़्यादा बढ़ाएँ, होम्योपैथी का इतना ज़्यादा बढ़ाएँ कि हमको कभी एलोपैथिक दवा की आवश्यकता ही ना हो। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पिछले कई सालों से, बीच में एक बार मुझे तकलीफ हुई थी, मुझे एलोपैथिक दवा लेने की आवश्यकता पड़ी थी आज से 4-5 साल पहले, उसके बाद से आज तक कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं कोई भी अंग्रेजी दवा का उपयोग करूं। जब जानकारी नहीं थी तो पड़ी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब से मुझे जानकारी हुई है अच्छे से होम्योपैथी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो आवश्यकता नहीं पड़ी कभी। इस बीच में कोरोना भी आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कभी आवश्यकता नहीं महसूस हुई। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी होम्योपैथी की भी इतनी अच्छी जानकारी हो, आयुर्वेद की भी इतनी अच्छी जानकारी हो कि आपको कभी एलोपैथी की आवश्यकता ही ना पड़े, आप अपने घर की छोटी मोटी बीमारियाँ अपने आप सही कर लें, अपने आसपास की बीमारियाँ वैसे ही सही कर लें। इसका एक बड़ा तरीका ये हो सकता है, जो मुझे समझ में आता है, कि हम आयुर्वेद को और होम्योपैथी को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाएँ कि हर किसी को जानकारी हो इसके बारे में और खुद से ये चीज़ों को कर पाए। मैं किसी को पीछे करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एलोपैथी को छोड़ दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद को, होम्योपैथी को ज़रूर जगह दो। आप दोस्तों, मैं बता रहा हूँ बहुत सी चीज़ें मैं बता नहीं सकता है, कई ऐसी घटनाएँ मेरे जीवन में हुई हैं, कई ऐसे लोगों के साथ आज मैं नहीं हूँ जिनके वो हो सकते थे अगर सही तरीके से चीज़ों को किया गया होता तो। तो दोस्तों, आप सबसे विनती मेरी है कि आप लोग मैक्सिमम आयुर्वेद को या होम्योपैथी को, घर में खाए जाने वाले मसाले, किसका यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा जानकारी ज़रूर रखिए। आप कोई भी चीज़ घर के अंदर लेके आ रहे हैं
तो उसकी जानकारी ज़रूर रखिए कि वो एक्चुअल में है क्या, किन चीज़ों से बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। देखिए, पढ़े लिखे होने का जो मुझे समझ में आता है कि यही फ़ायदा है कि हम पढ़े लिखे इसलिए नहीं हैं कि हम सिर्फ हमारा पहनावा वैसा हो जाए, हम बाहर की सब कुछ ये खाने शुरू करते हैं, सब कुछ जैसे अंग्रेज़ करते हैं उनका देखी देखी हम भी करें, सिर्फ ये नहीं होता है। थोड़ा सा ये भी होता है कि हमको सही और गलत का पता होना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम जब जागे तभी सवेरा थोड़ी सी जानकारी को बढ़ाएं इसमें, और अपने आसपास के लोगों में इस जानकारी को भी दें, उनको भी जानकारी दें इस चीज़ के बारे में कि वो भी इससे लाभान्वित हो। तो दोस्तों, मुझे आज यही बात करनी थी, ये बात मेरे मन में थी, दिल में थी, मैं चाह रहा था आप लोगों से शेयर करना। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। मैं तो बोलूँगा कि हिंदुस्तान के हर घर में इस बात को पहुँचा दीजिए कि अपनी पुरानी संस्कृति को, मैं बात कर रहा हूँ खाने पीने से, मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो चीज़ें हुआ करती थी, जो पहले हम खाते थे पीते थे, हमारे शरीर में जो चीज़ें खाने पीने से हम अपनी बीमारियों को सही कर लेते थे, ऐसी बहुत सी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिनका हम सेवन ही नहीं कर पाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे बहुत से मसाले हैं जिनका अगर आप सही तरीके से सेवन करें तो आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही सही हो जाएगी, आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम कहाँ उनका सेवन करते हैं। हमको जो चीज़ें पैक में दे दी जाती हैं हम उनका सेवन करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए खाने पीने का, अपनी सेहत का, और वाकई अपने सेहत के प्रति सचेत रहिए, अपने हर घर परिवार के हर किसी मेंबर के सेहत के प्रति सचेत रहिए। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, होम्योपैथी को ज़रूर बढ़ाइए। ये एक ऐसी पैथी है जिसका जानकारी अगर आपके पास में है तो आप वाकई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है। आयुर्वेद के बारे में जानकारी ज़रूर बढ़ाइए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं अभी एक पुस्तक लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है, डायबिटीज़ के ऊपर में, उसमें मैं बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जानकारी मैं दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों को खाने से हम अपनी बीमारियों को कैसे सही कर सकते हैं, या ये बीमारी हमारे पास आएगी ही नहीं अगर हम सही तरीके से खाएं। तो कुछ बातें आपसे मैं शेयर करता हूँ। हम जब दुकान सब्जी लेने जाते हैं तो आप देखिए कि कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो कि बड़े कम पैसे में मिल जाती हैं, छोटी छोटी जो होती हैं बड़ी काम की होती हैं, जैसे नींबू, अदरक, वहाँ पे और छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की होती हैं, ठीक है ना। आपको थोड़ा ही पैसा देना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन वो मिल जाती हैं ईज़िली। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जान जाएँ, किस मौसम में कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में यूज़ करनी है ये जान जाए, तो हम बहुत सी बीमारियों को खुद ही दूर कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी कोशिश यही है कि हम इतना सीख जाएं कि किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हम खुद से सही होना सीख जाए, ठीक है। और बाकी चीज़ें हमारी होम्योपैथी कर दे, तो कभी भी हमको अंग्रेजी दवा केमिकल के रूप में खाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपका कोई कमेंट है दोस्तों, मैं आपके कमेंट का स्वागत करता हूँ, बिल्कुल कमेंट करिए नीचे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मैं दोनों का स्वागत करता हूँ दिल से, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और जानकारी भरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।